हाय फ्रेंड्स, कोका कोला की रेफ्रिजरेटर या किसी भी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स वाली रेफ्रिजरेटर जिसके डोर में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है, ऐसी सभी रेफ्रिजरेटर को विजी कूलर के नाम से जानते हैं। विजी कूलर भी सिंपली रेफ्रिजरेटर की तरह ही काम करता है, पर विजी कूलर के रेफ्रिजरेटर का जो कैबिनेट होता है इसके अंदर टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। विजी कूलर में टेम्परेचर की रेंज को मेंटेन रखने के लिए और मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक सब जीरो लगा होता है। विजी कूलर या यूं कह लें कि कोका कोला की इस रेफ्रिजरेटर की वायरिंग थोड़ी सी टफ होती है और लगभग 90% टेक्नीशियन को प्रॉपरली ये वायरिंग नहीं आती। दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल खान। कोका कोला की इस रेफ्रिजरेटर की प्रॉपर वायरिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। आइए जानते हैं इसके सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को। आइए अब सभी पार्ट्स का वायरिंग कनेक्शन समझते हैं। पावर प्लग में 3 पिन होती है और सॉकेट से कनेक्ट होने पर ऊपर की बड़ी पिन से अर्थिंग, नीचे की दोनों पिनों में से एक पर फेस और दूसरे पिन पर न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है। प्लग के ऊपर की अर्थिंग वाली पिन से ग्रीन वायर कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं और कनेक्टर से ग्रीन वायर फ्रिज की बॉडी, कंप्रेसर और दोनों फैन से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने सिर्फ बॉडी से कनेक्ट कर दिया है। प्लग की उस पिन से जहां फेस है एक रेड वायर कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। प्लग की बची हुई जिस पिन पर न्यूट्रल है एक ब्लैक वायर कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। कोका कोला रेफ्रिजरेटर की इस वायरिंग का सबसे अहम पार्ट इसका सब जीरो है, क्योंकि इसके साथ सभी सेंसर कनेक्ट होते हैं और ये सब जीरो एक प्रोसेसर की तरह काम करता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर की रेंज को मेंटेन करना और उसी हिसाब से कंप्रेसर और सभी फैन की मोटरों को ऑन और ऑफ करना। इसके साथ ही साथ इसी से रेफ्रिजरेटर की लाइट को भी सप्लाई जाती है। ये सब जीरो एरिस्टेट EMS 55 एडवांस मॉडल है, जिसे ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट एसी सप्लाई की जरूरत होती है। कनेक्टर से एक फेज और एक न्यूट्रल का वायर ट्रांसफार्मर के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर के आउटपुट टर्मिनल से 12 वोल्ट एसी सप्लाई निकलती है, जिसके दोनों वायर सब जीरो पर इस जगह जैक के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। अब कनेक्टर से एक फेस वायर सब जीरो की लाइन वाली पिन पर कनेक्ट करते हैं। कंप्रेसर और कंडेंसर फैन सब जीरो से ही ऑन और ऑफ होता है, तो सब जीरो के ऑन पोजीशन में ये फेस कंप्रेसर पिन से निकलता है। इस पिन से एक वायर कनेक्टर की बची पिन से कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर से ये फेस कंडेंसर फैन के एक वायर से कनेक्ट करते हैं और उसी फेस वायर को कंप्रेसर के ओवरलोड प्रोटेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे फेस कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल तक पहुंच जाता है। इस तरह सब जीरो के ऑन करने पर कंडेंसर फैन और कंप्रेसर तक फेस पहुंच जाता है। कनेक्टर के उस पिन से जहां न्यूट्रल है एक ब्लैक वायर कंप्रेसर के रिले से कनेक्ट करते हैं, जिससे कंप्रेसर के रन और स्टार्ट टर्मिनल तक न्यूट्रल पहुंच जाता है। न्यूट्रल के इसी वायर से एक वायर कंडेंसर फैन के दूसरे वायर से कनेक्ट करते हैं, जिससे कंडेंसर फैन तक न्यूट्रल पहुंच जाता है। सब जीरो रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट के टेम्परेचर को कूलिंग सेंसर के जरिए सेंस करता है, इसलिए कूलिंग सेंसर के दोनों वायर एक जैक के जरिए सब जीरो के कूलिंग सेंसर की पिन से कनेक्ट करते हैं। कैबिनेट का टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा होने पर सब जीरो कंप्रेसर को और कंडेंसर फैन को ऑन कर देता है। कैबिनेट का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर सब जीरो ही कंप्रेसर और कंडेंसर फैन को जाने वाली फेस सप्लाई को ब्रेक कर देता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये वायरिंग प्रॉपरली समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक सिंपल पीपीसी रिले का इस्तेमाल किया है। वैसे इस रेफ्रिजरेटर में डिफ्रीजर का ये रिले लगा होता है, जिसके साथ एक रन कैपेसिटर और एक स्टार्ट कैपेसिटर भी कनेक्ट होता है। कंप्रेसर और इस रिले का कनेक्शन दोनों कैपेसिटर के साथ किस तरह करते हैं और ये कैसे काम करता है, इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है अभी तक की वायरिंग आप समझ गए होंगे। इस रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट के बाहर डोर ऑपरेटेड मैग्नेटिक डोर सेंसर लगा होता है, जो डोर स्विच की तरह काम करता है, क्योंकि डोर ओपन होने पर डोर के साथ लगा मैग्नेट दूर हो जाता है, जिससे सेंसर ऑफ हो जाता है। जब डोर क्लोज करते हैं तो मैग्नेट इस सेंसर को ऑन कर देता है। इस सेंसर के ऑन पोजीशन में कूलिंग फैन ऑन रहता है और जब ये सेंसर ऑफ होता है तो फैन ऑफ हो जाता है।
ये सेंसर सब जीरो से कनेक्ट होता है। और सब जीरो से कूलिंग फैन और ट्यूब राइट किस तरह कनेक्ट होता है इसको समझते हैं। कनेक्टर से न्यूट्रल का एक वायर कूलिंग फैन के एक वायर से कनेक्ट करते हैं और इसी वायर से एक वायर ट्यूब राड के लिए लगी हुई चोक या इलेक्ट्रिक बैलास्ट से कनेक्ट कर देते हैं। कूलिंग फैन को रन करने के लिए फेस सब जीरो के इस पिन से दिया जाता है। इस पिन से फेस कूलिंग फैन को जाना है या नहीं जाना है ये इस सेंसर के ऑन या ऑफ पोजीशन पर डिपेंड होती है। सब जीरो के इस पिन से फेस ट्यूब राड के इलेक्ट्रिक बैलास्ट या चोक से कनेक्ट रहता है। इलेक्ट्रिक बैलास्ट के आउटपुट टर्मिनल से दो दो आउटपुट वायर निकलते हैं जो दोनों ट्यूब राड से कनेक्ट रहते हैं। इस तरह से कोका कोला की इस रेफ्रिजरेटर या विजी कूलर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। आइए इस पूरी वायरिंग को एक बार जल्दी से देखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।